हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फुल कॉन्सेप्ट्स एंड जबरदस्त ट्रिक के साथ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के तीन प्रकार होते हैं, पहला है एट, दूसरा है इन और तीसरा है ऑन। तो सबसे पहले जानते हैं एट का उपयोग। एट का उपयोग हमेशा प्रिसाइज टाइम के साथ करते हैं। प्रिसाइज टाइम मतलब एक निश्चित समय के साथ एट का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट 3 o'clock, एट 6 o'clock, एट 5:30 o'clock, एट नून। नून का हिंदी मतलब होता है दोपहर का समय, और दोपहर का समय भी एक प्रिसाइज टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है, तो इसके साथ भी हमेशा एट लगेगा। एट डिनर टाइम, डिनर टाइम भी एक निश्चित समय होता है, एक प्रिसाइज टाइम होता है, तो इसके साथ भी एट लगेगा। एट सनसेट, सनसेट मतलब सूर्य डूबने का समय, यह भी प्रिसाइज टाइम होता है। एट सनराइज, सनराइज मतलब सूर्य उगने का समय, यह भी एक प्रिसाइज टाइम है, तो इसके साथ भी एट लगेगा। एट लंच टाइम, प्रीपोजिशन एट का कुछ और एग्जाम्पल देखिए। आज सुबह मेरा 10 बजे मीटिंग है, इस इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM टूडे। आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM टूडे। यहाँ पर 10 AM एक प्रिसाइज टाइम है, और प्रिसाइज टाइम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। नवीन लंच के समय घर चला गया, इसे इंग्लिश में कहेंगे नवीन वेंट होम एट लंच टाइम। नवीन वेंट होम एट लंच टाइम। लंच टाइम भी एक प्रिसाइज टाइम है, एक प्रिसाइज टाइम को बताता है, एक निश्चित समय को बताता है, और प्रिसाइज टाइम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। दुकान आधा रात को बंद होती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। द शॉप क्लोजेस एट मिडनाइट। मिडनाइट भी एक प्रिसाइज टाइम है, प्रिसाइज टाइम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है। तो चलिए अब जानते हैं अगला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन का उपयोग। इन का उपयोग हमेशा मंथ के नेम के पहले, ईयर्स के नेम के पहले, सेंचुरीज के नेम के पहले, या फिर किसी लॉन्ग पीरियड के नेम के पहले इन का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन जून, इन अगस्त। जून और अगस्त दोनों को महीने के नाम है, और महीने के नाम के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। इन समर, इन विंटर। अब समर, समर का हिंदी मतलब होता है गर्मी का सीजन, और गर्मी का सीजन हमेशा एक पर्टिकुलर महीने में आता है, और महीने के नाम के पहले इन प्रीपोजिशन लगता है। ओके, अगला है इन 1985, इन 1991। ये दोनों ईयर्स के नेम है, और ईयर्स के नेम के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। इन सेकंड सेंचुरी, इन 21st century, बिकॉज सेंचुरीज के नाम के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, प्रीपोजिशन इन का कुछ और एग्जाम्पल देखिए। हमारा गर्मी छुट्टी अप्रैल में शुरू होगी, इस इंग्लिश में कहेंगे अवर समर वेकेशंस विल स्टार्ट इन अप्रैल। अवर समर वेकेशंस विल स्टार्ट इन अप्रैल। देखिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का उपयोग हुआ है, क्योंकि महीने के नाम के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए। मैं भविष्य में शिक्षक बनना चाहता हूँ, इस इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन फ्यूचर। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर इन फ्यूचर। यहाँ पर फ्यूचर जो एक लॉन्ग पीरियड है, और लॉन्ग पीरियड के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन लगता है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। 2001 को मेरा जन्म हुआ, इस इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बॉर्न इन 2001। आई वॉज बॉर्न इन 2001। 2001 जो है एक ईयर का नाम है, और ईयर के नाम के पहले हमेशा इन प्रीपोजिशन लगता है। तो चलिए अब जानते हैं अगला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन का उपयोग। ऑन का उपयोग हमेशा दिनों के नाम के पहले और तारीखों के नाम के पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन 25 December 2001, ऑन 31 January 2000, ऑन क्रिसमस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन बर्थडे। इस तरह से ऑन का उपयोग हमेशा डेज के नेम के पहले और डेट्स के नेम के पहले करते हैं। प्रीपोजिशन ऑन का कुछ और एग्जाम्पल देखिए। मैं रविवार को दिल्ली जाऊंगा, इस इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो टू दिल्ली ऑन संडे। आई विल गो टू दिल्ली ऑन संडे। अगला एग्जाम्पल देखिए। हम 26 जनवरी को शिमला जाएंगे, इस इंग्लिश में कहेंगे वी विल गो टू शिमला ऑन 26 January। We will go to Shimla on 26th January. अगला एग्जाम्पल देखिए। मेरा जन्म 14 मई 2001 को हुआ था, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बॉर्न ऑन 14th May 2001। आई वॉज बॉर्न ऑन 14th May 2001। इन सभी प्रीपोजिशन को पढ़ने के बाद भी इनमें कुछ एक्सेप्शंस होता है, जैसे नाइट के साथ हमेशा एट लगता है, वीकेंड के साथ हमेशा एट लगता है, मॉर्निंग के साथ हमेशा इन लगता है, आफ्टरनून के साथ हमेशा इन लगता है, और इवनिंग के साथ भी हमेशा इन लगता है। ये कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा सेम रहता है। ओके,